बस इसकी कुछ बात हुई थी। अब जो है सीपीयू के डिज़ाइन के बारे में कुछ बात होगी। जनरली सीपीयू का आपको इतना जो डिस्कस हो चुका है वो है कि इनपुट सीपीयू के अंदर इनपुट आउटपुट यूनिट्स होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट्स होते हैं और एएलयू जैसे पार्ट होता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस इस तरह, और डेटा के टू वे कनेक्शन होता है। और सीपीयू जो हैं जनरली मदरबोर्ड पे होते हैं जो कि बाकी पेरिफेरल से कनेक्टेड होता है, और इन सबको जमा शुदा करके कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। मदरबोर्ड पे जो आजकल कॉमन मेथड है वो ये है कि ये आपका सीपीयू है इधर, उसके बाद सीपीयू के पास एक फ्रंट साइड बस के ज़रिए एक नॉर्थ ब्रिज कनेक्टेड होता है। नॉर्थ ब्रिज जो है वो हाई स्पीड कनेक्शंस के लिए होता है और हाई स्पीड डिवाइसेस के लिए होता है। फिर नॉर्थ ब्रिज से एक कनेक्शन जाता है साउथ ब्रिज में, और साउथ ब्रिज जो है वो सारी छोटी डिवाइसेस जो आहिस्ता वाली डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करता है। जो नॉर्थ ब्रिज के अंदर मेमोरी कंट्रोलर होता है और साउथ ब्रिज का भी कनेक्शन होता है, ये दोनों जो है मिलके मदरबोर्ड के मेन सीपीयू फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। पुराने ज़माने में इससे पहले तकरीबन 10 साल से ज़्यादा पहले ये होता था कि एक ही चिपसेट होती थी मदरबोर्ड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस ज़माने में नॉर्थ और साउथ ब्रिज दो अलग बनाते हैं ताकि हाई स्पीड फंक्शंस और लो स्पीड फंक्शंस को अलग करा जा सके। ये इस तरीके से कनेक्टेड है। सीपीयू है, सीपीयू के से कनेक्टेड होती है फ्रंट साइड बस, फ्रंट साइड बस से नॉर्थ ब्रिज कनेक्ट होता है, नॉर्थ ब्रिज से मेमोरी बस कनेक्टेड होती है, और हाई स्पीड डिवाइसेस जैसे ग्राफिक्स कार्ड्स और पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स। उसके बाद एक और बस होती है इंटरनल बस जो साउथ ब्रिज से कनेक्ट करती है। साउथ ब्रिज जो है उसमें आईडी बस, साटा बस, यूएसबी बस, ईथरनेट कार्ड्स, ऑडियो जो कार्ड्स हैं, सीमॉस मेमोरी, बायोस, ये सब चीज़ें साउथ ब्रिज से कनेक्टेड हैं। और जो आहिस्ता वाली बसेज हैं जैसे पीसीआई बस, वो भी साउथ ब्रिज से कनेक्टेड है। और जो मदरबोर्ड के ऊपर जो सिंपल सा ग्राफिक्स कंट्रोलर होता है वो भी साउथ ब्रिज से इधर कनेक्टेड है पीसीआई के ज़रिए। और बेसिकली ये पीसीआई कनेक्टर से कनेक्टेड नहीं होता, ये मदरबोर्ड के ऊपर ही जो चिप्स हैं, ये सारे जो ग्रे कलर की चिप्स हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर ही हैं, और बाकी जो ये कनेक्टर्स हैं इनके ऊपर सेपरेट डिवाइसेस आती हैं। जो साउथ ब्रिज की पहचान ये होती है कि वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होता। ये एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम है, जो पीसीआई एक्सप्रेस हाई स्पीड बसेस हैं और रैम जो है वो नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड है, और सीपीयू और नॉर्थ ब्रिज के दरमियान फ्रंट साइड बस कहलाती है, ये इंटरनल बस है, फिर साउथ ब्रिज है, और ये जो स्लो स्पीड बसेस हैं जो डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं वो साउथ ब्रिज से कनेक्टेड है। लेगेसी का मतलब है जो पुराने ज़माने की कोई डिवाइस या मेथड जैसे सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट, वो उनको लेगेसी कहता है। ये पहले डिस्कस हो चुका है। हाँ, अब आते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में सीपीयू और मेमोरी यूनिट के दरमियान एक डेटा बस होती है। फिर एक और आइडिया था, वो था कि वॉन न्यूमन की बॉटल नेक को अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की मेमोरी और डेटा की मेमोरी अलग करी जाए। ये एक आइडिया था पुराने ज़माने का, लेकिन अब जो है कैशेज आ गए इस ज़माने में जो कि ये काम करता है। मिसाल के तौर पे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में ये मेमोरी के और सीपीयू के दरमियान सिर्फ एक ही बस है, और वो डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों कैरी करती हैं। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में दो हैं, इसमें डेटा एड्रेस इधर से जाता है, फिर डेटा बस ये है, इंस्ट्रक्शन एड्रेस इधर से जाता है और इंस्ट्रक्शन बस इधर है। इस ज़माने में सेपरेट कैशेज बनाई जाती हैं मेमोरी के और सीपीयू के दरमियान, तो इंस्ट्रक्शन कैशे को और डेटा कैशे को अगर अलग कर दिया जाए तो उसका जो असर वो ही होगा जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में और अचीव करने की कोशिश करी जा रही होती है। जो
जो कंट्रोल यूनिट है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है कि सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शन पहुंचानी है, डेटा पहुंचाना है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके उसका वापस मेमोरी में आउटपुट रखवाना है। रजिस्टर्स जो हैं वो होते हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं, मल्टीपल उनमें से एक जो है वो प्रोग्राम काउंटर के जाते हैं जो ये बताते हैं अभी सीपीयू कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। ये एक साइकिल होता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। मसलन पहले फेच करें इंस्ट्रक्शन को, फिर उसको समझें कि ये इंस्ट्रक्शन के बिट्स का क्या मतलब है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, फिर उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है, फिर जो आउट डेटा उसका आउटपुट आता है सीपीयू के अंदर उसको मेमोरी में स्टोर करना होता है। ठीक है, तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आई, वो डीकोड हुई, फिर कंट्रोल यूनिट जो है वो एएलयू से एग्जीक्यूट करवाता है, फिर एएलयू का जो आउटपुट है वो कंट्रोल यूनिट मेमोरी में पहुंचाएगा। रीड ऑपरेशन, ये वो ऑपरेशन है जहाँ से मेमोरी से सीपीयू में डेटा आता है। तो सीपीयू अगर कोई डेटा रिक्वेस्ट करता है तो पहले कैशे में चेक होता है, कैशे जो है चेक करता है कि कैशे के अंदर है या नहीं है, अगर है तो फिर वो कैशे से ही डेटा आता है, अगर नहीं है तो फिर वो मेन मेमोरी से आएगा, और जितनी देर में मेन मेमोरी से आएगा तो ये जो कंट्रोल यूनिट है वो सीपीयू से कहेगा इंतज़ार करो कि अभी आ रहा है। राइट का प्रोसेस जो है वो, जब राइट कैशे होता है तो इसके दो किस्म के होते हैं, एक होता है राइट थ्रू और एक राइट बैक। इस जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये है कि जब सीपीयू लिखेगा तो वो कैशे में भी लिखेगा और मेन मेमोरी में भी लिखेगा ताकि कैशे अपडेटेड रहे, बाद में अगर किसी और इंस्ट्रक्शन को कोई चीज़ मंगानी होगी तो अगर कैशे में पहले से मौजूद होगी तो स्पीड तेज़ होगी, लेकिन राइटिंग जो है वो दोनों तरफ होती है। लेकिन कैशे इस डायग्राम में तो नहीं है, लेकिन कैशे दो किस्म की होती हैं, एक होती है ये है राइट थ्रू वाली कैशे, इसका मतलब है कैशे में भी लिखा जा रहा है और मेन मेमोरी में भी लिखा जा रहा है। राइट बैक कैशे ये होती है कि कैशे में लिखते हैं, उसके बाद कैशे जो है वो बाद में बफर का जैसा काम करती है और हो सकता है थोड़ी देर के बाद मेमोरी में पहुंचाए, लेकिन सीपीयू फिर अवेलेबल हो जाता है दूसरी काम करने के लिए। लेकिन राइट बैक कैशे में ये होता है कि जो रीडिंग होती है वो भी कैशे के थ्रू होगी, तो कैशे बताएगा कि नई वाली मेमोरी क्या है, भले वो मेन मेमोरी में वो डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा।